प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज घर से पढ़ाओ अभियान के तहत हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। जिस प्रकार हम देखते हैं बस स्टॉप के ऊपर बस खड़ी होती है, उसमें सवारियां चढ़ती है, उसी प्रकार स्टेशन के ऊपर रेल आके खड़ी होती है, फिर उसमें सवारियां चढ़ती है, फिर वो चलती है। ये ऐसे रुकना चलना एक जिंदगी का हिस्सा है। इसी प्रकार मैं आपके सामने देखो तीन वाक्य लिखे मैंने आपके सामने, रोको मत जाने दो। इनमें वैसे तीनों में अगर देखे जाए तो कोई फर्क नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कहीं में ही कोई विराम चिन्ह लगाते हैं तो उसका एकदम से अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे पहले वाक्य है रोको मत जाने दो, उसके बाद हमने अगर रोको के आगे एक विराम चिन्ह लगा दिया, अल्प विराम जिसको बोलेंगे हम, तो इसका अर्थ क्या बन गया, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। उसके बाद अगर अगला वाक्य देखें तो उसको रोको और मत के बाद अगर हम यहां अल्प विराम लगाते हैं तो इसका अर्थ इसके बिल्कुल विपरीत बन जाएगा। कैसे, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। इस प्रकार बात कहने में बीच बीच में रुकना ही लेखन की दृष्टि से विराम चिन्ह कहलाता है। जिस प्रकार हम बात कहने का बात बार बार अगर बात कहते हैं, अगर लगातार बात करते रहे बीच में सांस भी लेना पड़ता है, उसी प्रकार अपनी बात को बोलने में बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, उसी रुकावट को ही लेखन की दृष्टि से विराम चिन्ह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम विराम चिन्ह के बारे में बता रहे थे कि हम मुख्यतः विराम चिन्ह कितने प्रकार के यूज करते हैं। ये विराम चिन्ह ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में हो, ये और अन्य दूसरी भाषाओं में भी इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले होता है नंबर एक पे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी इसका ये साइन होता है, इसका चिन्ह ये होता है। दूसरा होता है अल्प विराम, इंग्लिश में हम उसको कोमा भी बोलते हैं। अब उसके तीसरा नंबर है अर्ध विराम, अर्ध विराम का ये साइन है ऊपर छोटी सी बिंदु और नीचे ये कोमा लगा दिया। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, इसका साइन है ये। पांचवा नंबर है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में ये डैश आ गया अपना छोटा। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक मतलब हम पूर्ण विराम लगाते हैं और इसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। सातवां नंबर है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये थोड़ा सा बड़ा है इससे अपने योजक चिन्ह से। आठवां नंबर है विवरण चिन्ह और नौवां नंबर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह होता है ये कोमे, यानी पीछे भी कोमा और आगे भी कोमा, इसको दो प्रकार के विषय लिखा जाता है, एक कोमा आगे एक कोमा पीछे और दो कोमे आगे दो कोमे पीछे। उसके बाद आता है अपना कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह भी कई प्रकार के होते हैं, ये बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसको, मध्य वाला इसको, सबसे छोटा कोष्टक बोलते हैं, ये ज्यादातर गणित में प्रयोग होते हैं। उसके बाद अपना ग्यारहवां नंबर है लाघव चिन्ह, एक छोटा सा बिंदु इसका ये चिन्ह है। उसके बाद अपना बारहवां नंबर है हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह वैसे जैसे हम उल्टी वाई लिख देते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पूर्ण विराम, यानी जब हम कोई बात अपनी कह रहे हैं या उसको उस बात को लिख रहे हैं तो अपनी पूरी, जब अपना पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है, यानी पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हमारे मतलब पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं घर जाता हूं, हम खाना खा रहे हैं। उसके दूसरा नंबर आता है हमारा अल्प विराम, अल्प का मतलब है थोड़ा रुकना, यानी थोड़े से समय के लिए रुकना। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि मैंने आज आम केला नींबू संतरा, एक तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उसको अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर आता है अर्ध विराम, अर्ध विराम पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा, यानी इन दोनों के बीच में जहां रुकावट आती है उसको हम अर्ध विराम बोलते हैं। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, यानी दो उपवाक्यों को के बीच में जो संबंध बनाता है उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। विराम चिन्हों में चौथा नंबर था प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका अर्थ है वह प्रश्न पूछना, जैसे हम पूछते हैं आप क्या करते हो, आप कैसे हो, इसका प्रयोग हम पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद वाक्य में इसके पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे
आप कैसे हो, इसको हम नकारात्मक वाक्यों में भी और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद पांचवा नंबर आता है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो चीजों को जोड़ना, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द जो उनके युग्मों के बीच, उनके जोड़ों के बीच जो अब हम आपस में उनको जोड़ते हैं, जैसे रात दिन, जीवन मन, पहले पहले, जब कब, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, शब्दों का जो युग्म बनता है उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छठा नंबर आता है अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिस प्रकार खुशी हो, शोक हो या कोई घृणा का भाव हो, यानी हमें अपने भावों को जब व्यक्त करना है तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह कितनी गर्मी है, या बोलते हैं वाह कितना सुंदर फूल है, यानी उसमें एकदम से इसमें कुछ और व्यक्त कर रहा है, और जब खुशी है उसमें कुछ और व्यक्त कर रहा है। इसके बाद हमारा जो सातवां चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। इसका जो आकार है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करता है। जैसे माँ कहती है, आगे आएगा ना, ये है उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। माँ कहती है समय पर काम करना चाहिए। उसके बाद अपना जो आठवां चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसका चिन्ह ये है, इसका संकेत। इसका प्रयोग किसी बात को विस्तार से बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं आज आपको निम्नलिखित प्रश्न याद करने हैं, आगे ये चिन्ह आ गया, 1 2 3 4 5 जितने भी आपने प्रश्न बताए हैं उसके हिसाब से अपनी बात को ज्यादा विस्तार से इसमें बताया गया है। उसके बाद हमारा नौवां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। ये पहले इकहरा उद्धरण है और ये दोहरा उद्धरण है, दोहरा चिन्ह है। इकहरा जो प्रयोग किया जाता है वो किसी बुक के लिए या किसी टॉपिक के लिए, जैसे महाभारत है, रामायण है, संविधान है, यानी इस प्रकार के जो टॉपिक के लिए इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। और जो दोहरा उद्धरण है वो है किसी महान व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई है उसकी बात को जो का तो लिखना। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसको हम दोहरे उद्धरण में समा दिया, इसको इनके अंदर डाल दिया है। हमारा दसवां जो चिन्ह है वो है कोष्ठक चिन्ह। ये तीन तरह का होता है, इसको सबसे छोटा बोलते हैं, इसको मध्य और इसको सबसे बड़ा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता, मतलब राष्ट्रपिता कौन है उसके बारे में, अपने राष्ट्रपिता शब्द के बारे में ज्यादा बताने के लिए इसके ब्रैकेट में यानी ये चिन्ह लगा के बीच में लिख दिया महात्मा गांधी। इससे पता लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कर्म सूचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाने के लिए भी इस इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये चिन्ह लगा दिया अ ब स या 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी हम आगे की अंक लिख सकते हैं और जिसको इस चिन्ह के अंदर लगा सकते हैं। तो हमारा जो 11वां चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। ये छोटी सी बिंदी है जो अक्सर थोड़ी सी नीचे लगती है। किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखना, यानी छोटा बना के लिखना। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमने लिखा तो डो है लेकिन आगे ये चिन्ह लगा दिया, इससे पता चलता है कि इसका मतलब है डॉक्टर। जैसे मुंह प्रेमचंद, इसके आगे चिन्ह लगा, इसका मतलब है मुंशी प्रेमचंद। तो अब हमारा जो आखिरी चिन्ह है जो यानी 12वां चिन्ह है उसका नाम है हंसपद चिन्ह। इसको ऐसे उल्टी वाई की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य लिखते समय जब हम कोई शब्द गलती से भूल जाते हैं, यानी गलती से उस शब्द को हम लिख नहीं पाते या छूट जाता है, तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है, इसमें हम क्या भूल गए, आप खुद सोच सकते हैं कि चांदनी रात में ताज, आगे हमने महल लिखना था, हम यहां पर महल शब्द को भूल गए हैं। महल चांदनी रात में ताज महल बहुत सुंदर लगता है, तो हम इस यहां पर ये चिन्ह लगा के यहां पर हम महल लिख सकते हैं। इसका मतलब है हम यहां पर महल भूल गए थे, तो इस चिन्ह का प्रयोग, ऐसे कोई शब्द भूल जाता है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, यानी चांदनी रात में ताज महल बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों ये थे हमारे चिन्ह, आशा है आपको समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में
कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है हमें सरकारी स्कूल उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।